आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। इस ट्रिगोनोमेट्री में क्या हम लोगों को पढ़ना है मेनली, यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक इसका होगा वो मेजरमेंट और एंगल होगा। मेजरमेंट और एंगल यही पहला टॉपिक होगा। ट्रिगोनोमेट्री की स्टडी जो है 10th क्लास में अपने बहुत सही से किया हुआ था, तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन बताने की यहाँ जरूरत है। यहाँ पे जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला टॉपिक होगा वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, कि एंगल की मेजरमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में जाने हैं कि आखिर एंगल क्या है। तो एंगल क्या होता है कि जब एक किसी एक लाइन को अगर कोई दूसरी लाइन कट करती है या उस पर मिट करती है, तो यहाँ जो इंक्लिनेशन बनता है इसी को बोलते हैं एंगल। और छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दोनों आर्म और ये आम है, सही बात है, ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ गलत पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ये है आपका टर्मिनल साइड, ये है इनिशियल साइड। अब क्या होता है कि इनिशियल साइड इसमें से किसी एक लाइन को फिक्स कर दें और दूसरे को घुमाएं तो एंगल बनेगा, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे बना है, इसको थोड़ा सा आप अगर ऐसे कर दें, टर्मिनल साइड आपका यहाँ आ गया तो इतना बड़ा एंगल हो गया, इसको यहाँ बना दें, इधर बना दें, इधर बना दें, तो ऐसे एंगल बनता है। ज्योमेट्री में हम लोगों ने सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के और 360 डिग्री तक के ही एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 1000, 2000, 10000 जितना भी एंगल बनाना चाहते हैं हम उतना बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। ज्योमेट्री में हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव एंगल पढ़ा था, नेगेटिव एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है और नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। अब बात ये आती है कि अगर जो इनिशियल साइड है वो तो फिक्स रहेगा, अगर टर्मिनल साइड को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से और क्लॉकवाइज माने इस तरीके से, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर हमारा टर्मिनल साइड मूव कर रहा है तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। जैसे हमने क्या किया कि इनिशियल और टर्मिनल समझ लिए कि इसी पे है, हमने क्या किया टर्मिनल को थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, इधर से इधर, ये डायरेक्शन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब डायरेक्शन नहीं रहेगा तो हमको समझने में दिक्कत होगी। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे पॉजिटिव एंगल की, जब हम इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। जैसे हमने बनाया और ये हम इधर चले गए, मतलब हम यहाँ से मूव किए इधर, तो ये जो एंगल बना ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। इसी के साथ अब बात आती है कि नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा। तो जब हम लोग जो है अगर क्लॉकवाइज में चलेंगे तो हम लोगों के पास जो है वो एंगल बनेगा नेगेटिव। जैसे हमने इधर चला इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका नेगेटिव। तो 360 डिग्री तक का तो एंगल बनाने आता होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 420 डिग्री का एंगल बनाइए तो कैसे बनाएंगे, 420 देखिए पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से चलना शुरू करना है, जब यहीं पर हम पहुँच जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 360, और 360 में कितना ऐड करेंगे कि जो है वो 420 हो जाएगा, 360 इसमें से माइनस कर दीजिए 60, मतलब यहाँ पे इसको आपको और बढ़ाना है, यहाँ तक आएंगे तो ये जो वैल्यू हो गया ये हो गया हमारा 420 डिग्री का, ये एंगल जो बना वो 420 और डायरेक्शन आप लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है आराम से एंगल बना सकते हैं चाहे जितना भी डिग्री है, और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक होता है को टर्मिनल एंगल, को
टर्मिनल एंगल वो होता है कि जिसका टर्मिनल पॉइंट सबका सेम हो। जैसे देखिए ये 420 डिग्री और 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री अगर हम बनाएंगे तो 60 डिग्री भी देखिए यही आ रहा है, तो 60 डिग्री और 420 डिग्री दोनों की लाइन सेम पड़ रही है। तो जब सेम लाइन पे जो आने लगती है सारे एंगल तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, को टर्मिनल एंगल। जैसे अगर हम 300 माइनस 300 डिग्री का भी अगर एंगल बनाइए, जैसे ये 60 डिग्री बनाया, ये 60 डिग्री बन गया, और अगर हम इधर से बना दें ये एंगल तो ये हो जाएगा 300 डिग्री माइनस 300, तो माइनस 300 डिग्री एंड 60 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहीं पहुँच रहा है, ये इस तरफ से यहीं पहुँच रहा है, तो इस तरीके से ये दोनों के टर्मिनल पॉइंट सेम है। तो जब टर्मिनल पॉइंट सेम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। ये टर्म यूज होता है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि को टर्मिनल एंगल क्या है, तो आप को टर्मिनल एंगल इस तरीके से आप डिफाइन करें। तो इस तरीके से आप को टर्मिनल एंगल समझ गए। अब बात आती है कि एंगल के मेजरमेंट की बात। एंगल जो है अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th तक जो है वो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए सिर्फ हम लोग डिग्री मेजरमेंट यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे तीन सिस्टम होता है एंगल को मेजरमेंट करने का। एंगल को मेजरमेंट करने के कितने सिस्टम होते हैं? तीन सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम जिसको सेक्सागेजिमल सिस्टम भी बोलते हैं, सेक्सागेजिमल सिस्टम, या इसी को बोलते हैं डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ये सब एक ही नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री मेजर। दूसरा जो आता है वो होता है सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं रेडियन मेजर, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं ग्रेड मेजर, ग्रेड जो कि आप लोगों की इसमें स्टडी नहीं कर रही। तो इस तरीके से एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो तीन तरीके से मेजरमेंट होती है। जैसे टेम्परेचर की मेजरमेंट तीन चार तरीके से होती है ना, केल्विन हो गया, डिग्री हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, फॉरेनहाइट हो गया, रिमर हो गया, तो ये चार मेजरमेंट के तरीके होते हैं। इसी तरीके से ये एंगल को मेजरमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक जो मेजरमेंट है डिग्री मेजरमेंट, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या होता है। इस बात को तो समझते हैं ना, ये समझते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल्स स्टडी हम लोग अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।